सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हुमा की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेजी। ये जितना नाम से अच्छा है उतना ही खाने में लजीज होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चिकन चंगेजी। दोस्तों, हमें चाहिए तकरीबन एक पाव चिकन। इसको हम धो कर के अच्छी तरीक़े से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसको पकाने के लिए हमें चाहिए तेल तकरीबन 4 टेबल स्पून, गरम मसाला, ये हमें बघारने के लिए खड़ा गरम मसाला चाहिए, और जिसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा है, और 4-5 लौंग, और ये पिसा हुआ गरम मसाला जो ऊपर हमें डालने के लिए चाहिए ग्रेवी पर, तकरीबन 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर हमें चाहिए 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च, और 1 अदद हमने बड़ी प्याज ली है क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर की ही ग्रेवी बनती है, और फिर हमें चाहिए 2 लहसुन और ये अदरक का टुकड़ा। दोस्तों, हमें लहसुन और अदरक को पीस लेना है अलग और प्याज को हम अलग पीसेंगे, क्योंकि लहसुन और अदरक से हमें चिकन को मैरिनेट करना है। हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, दही तकरीबन 4 टेबल स्पून, और हमें चाहिए नमक मैरिनेट करने के लिए। हम अपने चिकन में दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल करके 2 घंटे के लिए रख देंगे अच्छी तरीक़े से चला करके, और जब ये पानी छोड़ देगा, 2 घंटे गुजर जाएंगे, तब हम चिकन पकाना शुरू करें। दोस्तों, देखिए हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया है और तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, और देखिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम एक पैन में तेल को गर्म करेंगे। देखिए पैन में हमने तेल को गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और लौंग। जब ये थोड़ा सा चटकने लगे तो हम डालेंगे चिकन के पीस। दोस्तों, ख्याल रहे खाली चिकन के पीस डालेंगे, उसका पानी हम नहीं डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा चिकन ये अब तल रहा है, और ये हमें उस वक्त तक तलना है जब ये अच्छी तरीक़े से लाल सा नज़र आने लगेगा और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम फ्लेम को लो करेंगे, और देखिए हमारा चिकन तकरीबन तल चुका है। एक एक करके हम सारे पीस को एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे, और अब जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था, जो उसमें पानी बचा था, हम उसी में हल्दी, धनिया, मिर्च को डाल लेंगे। अब इस वक्त सबसे पहले हम डालेंगे पिसी हुई प्याज। दोस्तों, लहसुन अदरक का पेस्ट हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, और अब हम इस वक्त प्याज को भूनेंगे। देखिए प्याज भून रही है, इसकी ग्रेवी दोस्तों गाढ़ी होती है, तो इसलिए हमें प्याज को खूब अच्छी तरीके से भूनकर उसकी स्मेल को निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने फ्लेम को हाई करके अपनी प्याज को भून लिया है। अब प्याज अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया, मिर्च का पेस्ट। दोस्तों, हमने यहाँ पर लाल मिर्च जो इस्तेमाल की है वो कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल की है, ताकि इसका कलर
अच्छा आ सके। और बचा हुआ जो मैरिनेट किया हुआ मसाला था वो भी हमने इसी में डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से चला लें। जब हमारा मसाला भुन जाएगा फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें और देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमें इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है, क्योंकि टमाटर अच्छी तरीके से भुना होना चाहिए। अगर टमाटर की ज़रा सा भी कच्चापन रह गया तो हमारी ग्रेवी को ख़राब करेगा। दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम गैस को स्लो कर देंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे। और देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, मसाले ने अपना तेल भी छोड़ दिया है और एक अच्छी सी स्मेल भी आ रही है। दोस्तों हमने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, अगर आप नॉर्मल मिर्च यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रंग जो पुलाव वाला रंग होता है आप उसको थोड़ा सा डाल दें तो थोड़ा कलर आ जाएगा। अब ये ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे। दोस्तों जिसको हमने पहले से तल कर रखा था, और उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक मैरिनेट करने में डाला था इसलिए ख्याल रहे कि नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे। आप टेस्ट कर लें, उसके बाद फिर अगर बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ी देर तक के चिकन को मसाले में पड़ा रहने दें, उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही तकरीबन 2 चम्मच। हरी मिर्च जो कि हमने काट के रखी हुई थी, और अब इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। थोड़ी देर तक इसको ढक करके पका लें ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिल चुका है। और अब इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए मसाला बिल्कुल भुना हुआ है। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये चावल के साथ भी खाया जा सके। और 2 मिनट के लिए पकाएं और उसके बाद आप इस पर गरम मसाले को डालें। दोस्तों ये पिसा हुआ गरम मसाला है। ये बाज़ार में बना हुआ भी मिलता है और अगर आप चाहें तो घर में भी सारे मसालों को इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री और दालचीनी, ज़ीरा भून करके और पीस के आप रख सकती हैं। तो देखिए अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है, 2 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं और अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसको एक बोल में निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए हमने इसको एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से और दोस्तों अगर आप चाहें
तो धनिया पत्ती थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डाल सकते हैं, उसकी स्मेल और अच्छी आएगी। और अब हम तैयार है हमारा चिकन चंगेज़ी।